दोस्तों आप पढ़े लिखे तो हैं मगर आपके पास अपना कोई रोजगार नहीं है, रोजगार करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, या दोस्तों आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं, आप कहीं नौकरी नहीं कर सकते, आप अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं लेकिन रोजगार करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, आपके पास रोजगार करने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार कैसे किया जाए इसका आपके पास कोई आइडिया भी नहीं है। अगर दोस्तों आप ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका नाम है PMEGP लोन योजना। दोस्तों ये योजना क्या है, इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, कैसे आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों कैसे आप इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जिससे आप अपना कोई भी रोजगार को शुरू कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं PMEGP स्कीम के बारे में। दोस्तों ये स्कीम एक लोन योजना है, इस लोन योजना के अंतर्गत सरकार आपको लोन प्रोवाइड करती है जिससे आप अपना स्वयं का रोजगार कर सके। दोस्तों PMEGP स्कीम ये एक केंद्र सरकार की लोन योजना है जो एक स्वरोजगार योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देना। तो आप गाँव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, आप अगर अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं तो आप PMEGP स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकते हैं और अपना स्वयं का व्यापार कर सकते हैं और भी लोगों को अपने इस रोजगार में आप काम दे सकते हैं जिससे उनका भी जीवन यापन हो सके। तो दोस्तों आप यहां तक समझ गए कि PMEGP लोन योजना क्या है। दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं PMEGP लोन स्कीम की यह बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें केंद्र सरकार आपको लोन की रकम का 15-35% तक सब्सिडी के रूप में देती है। दोस्तों PMEGP के लोन की रकम पर आप जितना ब्याज चुकाते हैं उससे अधिक की रकम आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाती है। दोस्तों PMEGP लोन को दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोस्तों अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी व्यापार करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा कुछ भी अपना व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो यहां पर आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी, तो पहले जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी का अगर कोई भी व्यक्ति शहर में उद्योग करता है, शहर में अपना कोई बिजनेस करता है, व्यापार करता है तो उसको 15% तक यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति गाँव में व्यापार करता है तो यहाँ पर उसको 25% तक सब्सिडी मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 10% खुद यहाँ पर अपनी कॉस्ट को लगाना पड़ता है। दोस्तों यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 10% कॉस्ट, 10% पैसा आपको खुद इस व्यापार में लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से लोग हैं। स्पेशल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति अगर शहर में उद्योग करता है, व्यापार करता है तो उसको 25% सब्सिडी मिलती है। और अगर स्पेशल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति गांव में व्यापार करता है तो उसको 35% सब्सिडी मिलती है। दोस्तों यहां पर जो भी आप व्यापार करते हैं उसकी लागत का 5% कॉस्ट आपको यहां पर खुद लगाना पड़ता है अपने व्यापार में। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से लोग इस योजना के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो 18 वर्ष से उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकता है। दोस्तों शैक्षिक योग्यता के तौर पर आवेदक को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना यहां पर अनिवार्य दिया गया है, यानी आप 8वीं कक्षा कम से कम पास होना जरूरी है। दोस्तों सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकरण संस्थान, चैरिटेबल ट्रस्ट एवं स्वयं सहायता समूह, कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोस्तों यहां पर आपको यह ध्यान रखना है नए रोजगार के लिए ही आप PMEGP लोन योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अपना कोई पुराना व्यापार है, अपने पुराने व्यापार को उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आपको लोन प्रोवाइड नहीं होगा, नए व्यापार के लिए ही आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों चलिए अब जानते हैं PMEGP के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी। दोस्तों आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपको यहाँ पर शिक्षा का प्रमाण पत्र देना है। अगर आप 8वीं भी पास हैं तो आप यहाँ पर अपना शिक्षा का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र देना है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना अनिवार्य है। EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने EDP ट्रेनिंग की है तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा। अगर आप EDP ट्रेनिंग के बारे में नहीं जानते, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी कि EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको कैसे मिल सकता है। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहां पर देनी होगी, आप जो भी व्यापार करना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप तैयार करेंगे और यहां पर आप फिल करेंगे। तो अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में नहीं जानते, आगे हम वीडियो में कवर करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं और EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। दोस्तों इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों PMEGP लोन के लिए आप अपने फ़ोन से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ हम आपको लैपटॉप पर बता रहे हैं जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें। दोस्तों आपको गूगल पे आके PMEGP लिखकर सर्च करना है, सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए इसी वेबसाइट पर आना होगा। दोस्तों चलिए पहले हम ये समझते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको दस्तावेज के लिए बताया था कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? प्राइम मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी भी। यहाँ पर सैंपल के तौर पर बहुत से प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ी हुई है, उन्हीं को देखकर आप अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्रोफाइल है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दी हुई है, आप लिस्ट बहुत लंबी है, आप इसे देख सकते हैं, एक करके समझ सकते हैं अच्छे से और प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर तैयार कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो दोस्तों चलिए हम एक पर क्लिक करके आपको यहां पर दिखा देते हैं। देखिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कितनी लंबी लिस्ट यहां पर दी हुई है। चलिए यहां पर देखिए हम व्यूज पर क्लिक करते हैं, हमने यहां पर व्यूज पर क्लिक किया। व्यूज पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट यहां पर शो हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं आपका किस टाइप का बिजनेस है, कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को यहाँ पर तैयार करना है। तो दोस्तों देखिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, इसी तरीके से आप भी इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को तैयार कीजिएगा जिससे आप PMEGP लोन योजना का लाभ आपको मिल सके और आप अपना खुद का व्यापार कर सके। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके लिए कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।